हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए न्यूटेला चॉकलेट सैंडविच लेके आए हैं। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूटेला सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार बड़े साइज की ब्रेड ली हैं, एक डार्क चॉकलेट ली है और यहाँ पे हमने लिया है न्यूटेला। सबसे पहले हम ब्रेड की कॉर्नर कट कर लेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, इसके हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे और साइड वाले पार्ट को निकाल के हम अलग रख लेंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब हम डार्क चॉकलेट को क्रश कर लेंगे या बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी चॉकलेट को बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने चॉकलेट को एकदम बारीक कट कर लिया है। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं, पर मैं बटर यूज़ में नहीं लूँगी क्योंकि हम न्यूटेला सैंडविच बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे घी लगाया है और घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें घी लगाना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों ब्रेड पे घी लग चुका है। अब हम इस पे न्यूटेला लगा देंगे। दूसरी स्लाइस को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्लाइस मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर ली हैं। अब हम इस पर डार्क चॉकलेट डाल देंगे। हमें किनारे पर ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत अच्छे से हम इसमें बीच में हमने देखिए चॉकलेट लगा दी है। दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। आइए हम इसको सेकना स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम तवे पे घी लगा देंगे। हमें गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो पे ही हमें इसको सेकना है ताकि चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। दूसरी साइड भी हम घी लगा देंगे। साइड चेंज कर देंगे। हमें इसकी साइड चेंज कर करके ही सेकना है ताकि ब्रेड में जो हमने अंदर चॉकलेट लगाई है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए।
फ्रेंड्स देखिए सैंडविच सिकने लग गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी या चॉकलेट आपने बहुत मोटी मोटी कट करी है तो आप इसको 2-3 सेकंड के लिए ढक भी सकते हैं। पर हमने एकदम बारीक चॉकलेट क्रश करी है फ्रेंड्स, वो इससे ही मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ढका नहीं है। और देखिए बहुत अच्छे से सिक रहा है ये दोनों साइड से। फ्रेंड्स सैंडविच बहुत अच्छे से सिक करके तैयार हो गया है। अब हम इसको गैस पे से हटा लेंगे और दूसरे सैंडविच को भी जो हमने तैयार किया था बिल्कुल इसी तरह से हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स दूसरा सैंडविच भी सिक के तैयार है, आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स न्यूटेला सैंडविच बिल्कुल रेडी है, अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।